दिनांक 15 जनवरी को सिविल लाइन की रोडवेज बस स्टैंड पर एक महिला कंडक्टर के द्वारा इस थाने में सूचना दी गई कि उनके साथ चार लोगों ने चाकू दिखाकर उनका बैग वगैरह और कीपैड मोबाइल ये सब छीन कर ले गए हैं, जिसमें सिविल लाइन थाने पर मुकदमा लिखा गया और जांच के लिए दो टीमें बनाई गई। तो CDR, CCTV फुटेज, सर्वेलेंस और तमामी विवेचना और जांच के बाद इसमें यह चीज़ प्रकाश में आई। उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो यह चीज़ प्रकाश में आई कि इस तरह की वहाँ घटना नहीं होना पाया गया और एक्चुअली इनके द्वारा संगम पर स्नान के लिए परिजनों के साथ तथा चालक के साथ ये गए थे। वहाँ पर फिर GT जवाहर चौरा पर आते टाइम ये लोग एक चाय की दुकान पर रुके थे, वहीं पर महिला अपना बैग भूल गई थी, जिसकी बाद में फिर इनको पता चला। तो विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत लूट की घटना के रूप में इसको पेश किया। बाद में जांच के दौरान ही ये इनका जो सारा बैग वगैरह था वो सब बैराना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के एरिया से बरामद हुआ है। इन्होंने अपने बचाव के लिए झूठी रचना, हाँ, विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की झूठी घटना सामने